इंडिया से आप रहे हैं, आपने बहुत बॉलर को भी देखा है, क्या कुछ इंडिया के बॉलर से सीखने को मिला या यहाँ पे क्या डिफरेंट है कुछ, इस पर बात करूँ अगर तो शुरुआत आपने इंडियन पिचों से की थी? हाँ, यहाँ पे क्योंकि कंडीशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, अभी जो नए स्टेडियम्स है, अभी जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम भी है जो अभी बना हुआ है इस इवेंट के लिए, तो हमें भी नहीं पता कैसा खेलेगा, हम खुद भी नहीं खेले वहाँ पे। डैलस के पिच पर हम खेल चुके थे लास्ट ईयर जो हमारी मेजर लीग हुई थी, तो उस पिच से हम अब वाकिफ थे। वो बैटिंग के लिए थोड़ी अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सुबह के टाइम में स्लो हो जाती है विकेट, तो स्लोअर बॉल्स आपका टर्स वहाँ पे अच्छे चलते हैं, तो वो एक थोड़ा एडवांटेज था कि हम खेले हुए थे वहाँ पे, तो हमें मालूम था क्या करना है वहाँ पे। इंडिया से आपको अगला मुकाबला है, तो क्या कुछ इंडियन प्लेयर से टिप्स लेना चाहेंगे आप लोग कि आप खास करके बॉलर से बुमराह आए हैं वाले साथ बुमराह से अब आप रात की बात करूँ तो क्या कुछ टिप्स लेना चाहेंगे? आई मीन सारे ही प्लेयर जो इंडियन टीम के लिए खेल रहे, वन ऑफ द टॉप टीम इन द वर्ल्ड है, तो डेड हमनर के लिए ऑब्वियसली देख के सीखने मिलेगा कि वो कैसा खेलते हैं, कैसा अप्रोच करते हैं। और उसी तरीके से कुछ लोग जो टीम में है, मैं बचपन से उनके साथ मैं खेला भी हूँ, जैसे सूर्य कुमार है, अंडर 15 से हम खेल रहे हैं साथ में, तो एक अच्छा भी लगेगा उनसे मिलने का, और उनके लिए खुश भी हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई है टीम में, IPL में अच्छा करते आए हैं, तो एक इमोशनल मोमेंट रहेगा मेरे लिए और हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज होगा। आगे बोल रहे तो ये है कि इंडिया का खिलाफ मुकाबला है, अपनी अपने देश के खिलाफ खेलेंगे आप, तो कैसा रहेगा, इमोशनल रहेगा या फिर ये रहेगा नहीं गेम है जीत दिलानी है? हाँ, वैसा सोच नहीं है कि देश है खिलाफ है वगैरह, हमारा बस ये फोकस है कि मेरा इस टीम में क्या काम है, जो मेरा धर्म है इस टीम के लिए क्या है, जो मेरा बेस्ट अपने टीम के लिए मैं दूंगा और अपना प्लान्स एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूंगा और एंजॉय करूंगा गेम।